देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों के नागरिकों के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।